नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज पेजर डिवाइस, क्या होता है ये पेजर डिवाइस। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया आपको, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पेजर डिवाइस क्या है। तो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहे, पेजर डिवाइस क्या है, पेजर का प्रयोग कब किया गया, पेजर कितने प्रकार के होते हैं, पेजर का उपयोग करने के क्या फायदे हैं, इसके उपयोग में गिरावट के क्या कारण हैं, पेजर तकनीकी रूप से कैसे संचालित होते हैं। अब चलिए इन सभी छह टॉपिक को बारी बारी से देखते हैं और इसके ऊपर भी एक अलग से एक टॉपिक बनाया है जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब देखते हैं पेजर डिवाइस क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता है, पेजर जिसे बीपर के रूप में भी जाना जाता था, यह एक छोटा सा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण संदेश प्राप्त करने या छोटे छोटे संदेश या अलर्ट भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। डिवाइस का मूल काम यही था, संदेश भेजना, संदेश रिसीव करना। यह डिवाइस जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता था, आप सबको पता है यह एक डिवाइस मोबाइल की तरह ही काम करता था। 90 के दशक में इसका इस्तेमाल इतना आम नहीं था। उस समय इस पेजर का यूज सिर्फ डॉक्टर, बिजनेसमैन या इमरजेंसी सेवाओं में किया जाता था। इसकी खासियत यह थी कि इसे किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि यह सिर्फ रेडियो सिग्नल पर काम करता था। तो ये थी पेजर डिवाइस की डेफिनेशन। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जिसमें हम कवर करेंगे पेजर का प्रयोग कब किया गया। 1990 के दशक के अंत में या 2000 के दशक के शुरुआत में, आप सबको पता है ये प्री मोबाइल युग था जिसमें पेजर्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। उन व्यवसायों में विशेष रूप से लोकप्रिय था जिनमें त्वरित विश्वसनीय संचार की आवश्यकता थी। पेजर्स का उपयोग आमतौर पर डॉक्टरों, नर्सों और आपातकालीन सेवाओं कर्मियों में उनकी विश्वसनीयता थी। इस तथ्य के कारण ही इनका उपयोग किया जाता था। वे लोग सेलुलर नेटवर्क पर भरोसा नहीं करते थे जो कुछ स्थितियों में अविश्वसनीय या अनुपलब्ध होता था, क्योंकि उस समय मोबाइल का नेटवर्क इतना विकसित नहीं हुआ था। इसीलिए पेजर का उपयोग 1990 के दशक अंत में और 2000 के शुरुआत में, मतलब प्री मोबाइल युग में किया जाता था। अब चलिए हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पेजर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिकल पेजर्स। न्यूमेरिकल पेजर्स मतलब सिर्फ आप न्यूमेरिकल डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते थे। आमतौर पर प्राप्तकर्ता को, मतलब सेंडर और रिसीवर को, विशिष्ट फोन नंबर पर कॉल करने या किसी बुनियादी पृष्ठ प्रक्रिया को प्रतिक्रिया देने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे कि पेजर का सबसे सरल और सबसे बुनियादी प्रकार है न्यूमेरिकल पेजर्स। इसके बाद में आता है सेकंड टाइप जिसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल पेजर्स। इस नाम से भी आपको जान सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल मतलब इसमें आप कैरेक्टर्स जैसे कि अक्षर हो या संख्या हो दोनों को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे लघु पाठ संचार सहित अधिक विस्तृत संदेशों की अनुमति मिलती है। मतलब ज्यादा बड़ा मैसेज भी आप इसमें आप सेंड कर सकते हैं, जिससे कि यूजर जो होता है उपयोग के दौरान में इसका ज्यादा यूज करता है। खासकर इन व्यवसाय में इसे उपयोग किया जाता था जहां तत्काल संचार की आवश्यकता होती है। यह अधिक जटिल संदेश सेवा आवश्यकताओं के लिए उपयोग था जो केवल एक फोन नंबर से परे अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता था। मतलब न्यूमेरिकल में सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा जाता था, अल्फा न्यूमेरिकल पेजर्स में ज्यादा डेटा जाता था और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। अब इसके बाद में एक तीसरा भी टॉपिक आता है, तीसरा भी प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं टोन पेजर्स। इसमें क्या होता था, सिंपली एक बीप जाती थी, अलर्ट मैसेज जाता था अगले वाले आदमी को। तो ये थे हमारे तीन टाइप। चलिए हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, पेजर का उपयोग करने के क्या फायदे होते हैं। तो शुरुआत में जैसे मोबाइल आने से पहले पेजर्स का जो कवरेज क्षेत्र था वो ज्यादा था, बहुत बड़ा था,
खासकर दूरदराज के इलाकों में, वहां पे मोबाइल नेटवर्क इतना विकसित नहीं हुआ था। मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल भी वहां पे कम होते थे, बट वहां पे पेजर का सिग्नल होता था और वो विश्वसनीय होते थे और उनको ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं होती थी, जिससे उन्हें उपयोग करना आसान हो जाता था और तकनीकी समस्या का खतरा भी कम होता था। वन वे पेजर आमतौर अनट्रेसेबल होते थे क्योंकि बेस स्टेशन पर कोई सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होता था जो पहले के सिग्नल में भेजता था। तो ये थे पेजर के उपयोग करने के फायदे। अब चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके उपयोग में गिरावट के क्या कारण है, पेजर का जो उपयोग है इसमें गिरावट क्यों आई? तो इसमें जैसे कि आप सबको पता है, मोबाइल फोन ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल फोन और उनकी व्यापक सुविधा के कारण समय के साथ साथ पेजर का उपयोग काफी कम हो गया। मोबाइल फोन वायरलेस कॉल, टेक्स्ट संदेश और इंटरनेट एक्सेस सहित अधिक विकसित हो गया था। पेजर्स का उपयोग अभी भी कुछ उद्योगों में जैसे स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन सेवाओं में, उनकी विश्वसनीयता और लंबी बैटरी जीवन और खराब सेलुलर कवरेज वाले क्षेत्रों में अभी भी यूज किया जाता है। जैसे कि पेजर्स की बैटरी जो होती है वो बहुत लंबी चलती है और ये आपातकालीन सेवाओं में यूज किया जाता है। मोबाइल का नेटवर्क कभी भी खराब हो सकता है, उनका कवरेज कम ज्यादा होता है, इसीलिए आज भी जो पेजर्स है वो दूरदराज इलाकों में यूज किए जाते हैं। अगला है हमारा टॉपिक, पेजर तकनीकी रूप से कैसे संचालित होते हैं। पेजर समर्पित रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और इन फ्रीक्वेंसी पर संदेश प्राप्त करने के लिए ये डिजाइन भी होते हैं। पेजर की सीमा प्रयुक्त आवृत्ति बैंड और पेजिंग नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र पर निर्भर होती है। पेजर में आमतौर पर जाना जाता है कि मोबाइल फोन की तुलना में लंबी बैटरी लाइफ होती है, जो कि अक्सर एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चलती है। पेजर में बैटरी का आयुमान ज्यादा होने के कारण आज भी ये बहुत से व्यवसायिक इसे यूज करते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये लास्ट वाला टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। द फर्स्ट टेलीफोन पेजर सिस्टम वॉज पेटेंटेड इन 1949 बाय अल्फर्ड जे ग्रॉस। मतलब पहला जो टेलीफोन पेजर था, वो जो सिस्टम थी वो पेटेंट हो गई थी 1949 में, और जिनका नाम था, जिसके नाम से ये पेटेंट हुआ था, जिसका नाम है अल्फर्ड जे ग्रॉस। वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल पेजिंग सर्विस वॉज लॉन्च इन 1950 फॉर फिजिशियन इन द न्यूयॉर्क सिटी एरिया। प्रैक्टिकल पेजिंग सर्विस जो थी वो लॉन्च हो गई थी 1950 में, मतलब 1949 में आपका लॉन्च हुआ था ये टेलीफोन पेजर सिस्टम और 1950 में इसका प्रैक्टिकल यूज चालू हो गया था न्यूयॉर्क सिटी में। आप सबको पता है पेजर जो डिवाइस है इसकी कैटेगरी आती है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस में, और इन्वेंटर है अल्फ्रेड ग्रॉस। जैसे कि आपने इस वीडियो में जाना पेजर डिवाइस क्या है, पेजर का प्रयोग कब किया गया, पेजर कितने प्रकार के होते हैं, पेजर का उपयोग करने के क्या फायदे हैं, इसके उपयोग में क्यों गिरावट आई, पेजर तकनीकी रूप से कैसे संचालित होती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।